हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एसकेटी चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एमपी बोर्ड 12वीं परीक्षा की तारीख बदल सकती है। दोस्तों, इस खबर के बारे में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। क्या यह खबर सच है या फिर कुछ अफवाह फैलाई जा रही है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो देख सकते हैं अब होंगे आपके मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपनी क्वेश्चन की फोटो कीजिए, उसे अच्छी तरीके से क्रॉप कीजिए, पाइए 2 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन। अब 6th से 12th से लेकर नीट, IIT, जीमेंस, एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड कीजिए डाउट नेट ऐप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। न्यूज है 7 तारीख की, एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा बदल सकती है। तो क्या है पूरी सच्चाई, चलिए हम देख लेते हैं क्या सच है या झूठ। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की हायर सेकेंडरी परीक्षा की तारीख में परिवर्तन हो सकता है। ये संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आनुषांगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने परीक्षा की तारीख बदलने की मांग की है। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर AVVP ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है कि वो अपनी परीक्षा की तारीख को बदल दें। तो क्या है, देख सकते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में AVVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन देकर 9 जून से होने वाली 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं को आगे बढ़ाने की मांग की गई है। ज्ञापन में लिखा गया है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए छात्र और अभिभावक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए विद्यार्थियों को सुरक्षा के लिए आगामी तिथि में परीक्षा आयोजन की जाए। तो दोस्तों, यह ज्ञापन सौंपा गया हो सकता है, इसके लिए आपको बहुत जल्द खुशखबरी सुनने को मिल जाए न्यूज़ों में। तो स्टूडेंट जनरल प्रमोशन और पेरेंट्स कर रहे हैं तारीखों की बदलने की मांग। तो ये भी एक बड़ा समस्या आ रही है, जहाँ पर स्टूडेंट है वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमें जनरल प्रमोशन मिले और उनके जो पेरेंट है वो चाह रहे हैं कि हमारे जो हैं बच्चों के पेपर हों। तो दोस्तों, सभी का कहना सही है, लेकिन अभी जो पेपर है इसकी डेट बढ़ानी चाहिए। और दोस्तों, अभी ट्विटर पर ट्रेंड भी चल रहा है। दोस्तों, इस ट्रेंड में आप अधिक से अधिक भाग लें, लाइव स्टूडेंट लाइव मैटर। तो स्टूडेंट के लाइव का सवाल है, तो दोस्तों इस पर आप जनरल प्रमोशन से रिलेटेड इसमें पोस्ट डालें, ट्वीट करें, अधिक से अधिक ट्वीट करें। जितने भी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर रमेश पोखरिया निशंक जी हैं, पीएम मोदी जी हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ से अधिक ट्वीट करें और यहाँ पर अपनी बात रखें जनरल प्रमोशन से रिलेटेड। तो आप यहाँ पर जनरल प्रमोशन से रिलेटेड अपनी बात जरूर रखें, जो भी आपको समस्या है यहाँ पर, आप क्योंकि अभी यह ट्रेंड कर रहा है, अभी आपको सही वक्त है, यहाँ पर आप ट्वीट करें और अपनी बात को रखें। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में भी जनरल प्रमोशन के बारे में बात रख सकते हैं कि आपको जनरल प्रमोशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर ट्वीट भी करें और नीचे कमेंट में बताएं आपकी राय, और लाइक जरूर करें इस वीडियो में जो जनरल प्रमोशन चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ।